हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकुर है। मैं अपने वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करूंगा जावा के, जो बेसिकली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही बेसिक्स हैं बट हाँ पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो टू बी वेरी मच प्रिसाइजली, आई वुड से दैट आई विल बी जस्ट कवरिंग स्मॉल टॉपिक्स विच विल मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन, नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन यू कैन गेट इट ऑफ द गूगल। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक टूडे। स्टैटिक इज समथिंग विच इज बेसिकली यूज इन एवरी इंटरव्यू, सब जगह पूछे ही जाते हैं स्टैटिक क्या है, बताओ बताओ, क्लास लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, मिड लेवल पे। तो चलो वेरिएबल बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन पे बात कर रहा हूँ सो दैट क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। छोटा वीडियो जल्दी जल्दी बनाना है तो देखने में बोरिंग ना लगे। समझाता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ फिर बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिख दिया मैंने, इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस बी, वॉट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग दिस वन बिकॉज सिंस इट्स इनसाइड द मेन मेथड आई एम एबल टू एक्सेस इट, आई एम एबल टू प्रिंट इट। बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस ए, विल आई बी एबल टू प्रिंट इट? इट इज आस्किंग मी टू मेक इट स्टैटिक बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक सिंस नॉन स्टैटिक। नाउ वॉट इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस ए विदाउट, let's say I'm making it static right now, so I'm able to access it, I'm able to print it also, I'm able to print too. If I will delete it here and I want to access this A, what do I need to do? किसी चीज को समझना है कि वो क्यों यूज करते हैं तो उसका एब्सेंस को समझो ताकि उसका प्रेजेंस पता चल जाए। तो अगर मुझे ये यूज करना है तो मुझे इसके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एंड सी वेदर वी विल बी एबल टू एक्सेस इट और नॉट। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, इज इक्वल टू जावा क्लासेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट इज इट, फाइन, आई एम एबल टू एक्सेस इट। यस, चलो कोई मैथ्स कर लेते हैं इस पर। सो क्यों यूज करना हमने, वाई डू वी नीड टू डू इट? लाइक अभी मैं अगर ये लिखता हूँ बार बार मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस ए एवरी टाइम, अगर मान के चलो इस क्लास में मेरा और मेथड्स एंड आई वॉन्ट दिस इज समथिंग विच इज ग्लोबल विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एप्लीकेशन। So every time I do need to create an object of this particular class in order to access this one. Suppose मैं एक project पे काम कर रहा हूँ calendar, ठीक है, जिसमें month है हमारा 12 जो कि fix रहता है। So if I want to access this month, every time in all the methods, every time I have to create an object of this particular class and then I'll have to access it. I don't want to do that. It will make my code very much clumsy and it will not be an optimized, बहुत ही tedious work हो जाएगा। हर एक बार उसका object बनाओ, use करो, object बनाओ, use करो। So, if I am making it static, let's say, just delete this line of code and I want to access this month. No, I am not able to access it, asking me to make it static. If I am making it static, yes, I am able to access it. 12 I'm able to see. So why I'm doing this one? Because this is something global, which is these are the global variables which will remain constant. This month will never change. It will remain 12 and it might be used by other other main methods. So other methods where we have the static. So in order to access it, I'll have to make it static. Otherwise, I'll have to create an object of that particular class every time whenever I need to access it. So basically static keyword help us in memory management as well as it makes our code very much optimized because it get triggered when the class loads. So that's it, choti si example to understand the static keyword. Thanks, keep watching.